हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में कवर करेंगे, अगर आपका प्रीवियस एम्प्लॉय प्रेजेंट एम्प्लॉय का अकाउंट नंबर है, यानी कि आपके पास दो यूनिफाइड नंबर यानी कि यूएएन नंबर या तो दो ईपीएफ नंबर है, तो उसको ट्रांसफ़र कैसे करना है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, epfindia.gov.in। इसका लिंक ऑलरेडी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाकर आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ठीक है, होम की बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है वन टाइम। ठीक है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस है ईपीएफ इंडिया का। और उसके बाद जाना है आपको ऑनलाइन क्लेम ट्रांसफ़र पोर्टल पर, इसी पोर्टल पर जिसका इसी में सब कुछ होता है, केवाईसी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब इसको लॉगिन करते हैं यूएन के थ्रू। मेक श्योर कि आपका यूएएन नंबर, केवाईसी, सब कुछ अपडेट होना चाहिए जब भी ट्रांसफ़र होगा, ये भी बात का ध्यान रखना है। मैं इसको आईडी पासवर्ड यानी कि यूएएन नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद साइनिंग कर देता हूँ इस पोर्टल को। यूनिफाइड पोर्टल का वेबसाइट का लिंक इस वेबसाइट का भी डायरेक्ट वीडियो के नीचे दिया है, तो आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली इस पोर्टल पर भी आ सकते हो। आपको यहाँ पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यूनिफाइड पोर्टल पर, ईपीएफ पोर्टल पर। ठीक है, अब ये ऐसे केसेस में क्या क्या काम आएगा आपको। ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद एक ऑप्शन आ चुका है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट। ये उन केसेस में काम आएगा जिसमें आपको, मान लो एक कंपनी में आप जॉब करते हो एक या दो साल मान लो, उसके बाद आप अचानक जॉब छोड़ देते हो और दूसरी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हो, तो आपके पास क्या होगा, ऐसे केसेस में दो अकाउंट नंबर बन जाएंगे। ये क्यों बनते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप पहली जो कंपनी, आपकी जो दूसरी कंपनी है, उनके एचआर डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि मेरा ऑलरेडी ईपीएफ का अकाउंट चल रहा है, उसी में आप मर्ज कर दो। ठीक है, तो वो क्या है, आपका नया यूएन नंबर जनरेट नहीं करते जैसे कि ईएसआईसी में होता है। ठीक है, यानी कि आपको फिर अगर जनरेट हो भी जाता है नया ईपीएफ नंबर, तो उसको आप ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र वाला फंड आ चुका है, जो कि आप अपनी एम्प्लॉयर से बोल के करा सकते हो उनके पोर्टल से। ठीक है, लेकिन ऐसे कई बार ऐसी गलती हो जाती है, दो अकाउंट नंबर जनरेट हो जाते हैं, तो आपको इस केसेस में क्या करना है। ठीक है ना, तो ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद वन मेंबर अकाउंट के इस ऑप्शन को अभी क्लिक कर देना है आपको। ये बाकी सभी केवाईसी के वीडियो प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आपको कैसे बैंक अकाउंट आईएफसी अपडेट करना है वगैरह वगैरह। यहाँ पर देखो, जैसे कि काफ़ी सारे डिटेल्स आ रही है, एम्प्लॉई की डिटेल आ रही है। अब यहाँ पर साफ साफ लिखा है इन्होंने इंट्रक्शन में कि केवाईसी सीड होना चाहिए आपका, यानी कि जैसे मैंने बताया ना अभी, आपका आधार अपडेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ अपडेट होना चाहिए, बट आप ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओनली वन ट्रांसफर रिक्वेस्ट अगेंस्ट द प्रीवियस मेंबर आईडी कैन बी एक्सेप्टेड। आपके पहले एम्प्लॉयर को कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा प्रीवियस वाले ट्रांसफर के लिए। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो इसमें इन्होंने एक बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड अवेलेबल होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा था आपको। यहाँ से कुछ ऐसे इन्होंने छोटे मोटे इंट्रक्शन दिए हैं जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैंने अभी ऐसा अकाउंट लॉगिन किया है जो कि ट्रांसफ़र होके आया है, मतलब इसमें ईपीएफ का पैसा भी विड्रॉ हुआ है, ट्रांसफ़र भी हुआ है, केवाईसी भी अपडेटेड है, सब कुछ है इसमें ए टू जेड। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और आते हैं कि आपको सबसे पहले जो पुराना पीएफ अकाउंट नंबर है, अगर आपने उसका पैसा निकाला नहीं है, वो पेंडिंग है किसी कारणवश, या तो आपको आप नहीं चाहते कि आपका जो ईपीएफ का पुराना अकाउंट है वो नए में ट्रांसफ़र हो, तो आपको पुराने अकाउंट को, पीएफ के पैसे को निकाल लेना है। अगर आप चाहते हो कि यही अकाउंट को मैं कंटिन्यू करूँ, तो ये केस में ये वाली सर्विस काम आएगी आपको, वन मेंबर वाली, यानी कि एक अकाउंट एक यूएनएन से दूसरे में ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इंट्रक्शन पढ़ लेना है आने से पहले, और केवाईसी चेक कर लेना है, जैसे कि मैनेज सेक्शन में जाके, मॉडिफाइड डिटेल में जाके, व्यू में जाके, कि सब कुछ आपका ओके दिख रहा है क्या। नहीं होगा तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल मिलेगी आपको, किसकी, प्रेजेंट एम्प्लॉयर की, यानी कि जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप काम कर रहे हो, तो यहाँ पर पूरा आपको ये डिटेल मिलेगा, जैसे कि यूएएन नंबर, स्टिप्लेटमेंट नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, डेट ऑफ बर्थ, पीएफ अकाउंट नंबर पूरा वाला, समथिंग लाइक दिस। ओके,
और आपका फादर का नेम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी लोकेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ दिएगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर में, ठीक है। अब स्टेप नंबर वन, सिलेक्ट डिटेल ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर्ड। मेरा यहाँ सजेशन रहेगा, यहाँ पर जैसे बाय डिफॉल्ट मेरा नया यूएन नंबर ले लिया है ऑटोमेटिकली, तो प्रीवियस एम्प्लॉयर पर क्लिक करने के बाद आपका प्रीवियस यूएन नंबर एंटर करके गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर एक यूएन नंबर डाल के डिटेल क्लिक करता हूँ तो नहीं दिखाएगा नो प्रीवियस एम्प्लॉय, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रांसफर हो चुका है तो क्यों दिखाएगा, ठीक है ना। तो आपको प्रीवियस एम्प्लॉय पर डिटेल पर यहाँ पर चेक कर देना है रेडियो बटन को, ये वाली रेडियो बटन होती है, उसके बाद यहाँ पर गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। अगर मान लो आपको पता नहीं है ईपीएफ नंबर या ये, तो यहाँ पर गेट एमआईडी पर क्लिक करने के बाद आपका स्टेट सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं मेरे केस में एमपी सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ऑफिस भोपाल इंदौर ग्वालियर भोपाल सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर आपके ईपीएफ नंबर में जो आईडी दी होती है लास्ट में, जैसे कि 21004 समथिंग समथिंग, वो यहाँ पर डाल के आपको गेट एमआईडी पर क्लिक कर देना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है, तो ये प्रीवियस डिटेल आपको जो पुराना ईपीएफ कंपनी का पूरा डिटेल था वो यहाँ पर ले लेगा, ठीक है, एक केस में। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से भी क्लिक करके आपकी कंपनी से डिटेल हेल्प लेके आप उसको इसमें मर्ज करा सकते हो या उसको जनरेट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन आपको प्रेजेंट कंपनी से या आपके एम्प्लॉयर से हेल्प लेना पड़ेगा। यहाँ प्रेजेंट एम्प्लॉयर से भी आ जाएगा आपका, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से भी कर सकते हो प्रीवियस में ट्रांसफर के लिए, यानी कि इसका मतलब है कि यूएन को किसी भी एक अकाउंट को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा इस ईपीएफ में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स में, ठीक है। सिंपल सा है, आपको मैंने बता दिया, आपको कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पर आपको गेट एमआईडी पर क्लिक करके यहाँ से आपका अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है, यहाँ अकाउंट नंबर डालना है, यहाँ पर सेंटर वाला आपका जो ईपीएफ नंबर होता है समथिंग लाइक कि यार मान लो कि MP IND MP/IND/000/25115 ये अकाउंट नंबर है, तो आपका लास्ट का यहाँ पर एंटर करना है और यहाँ पर आपका आईडी एंटर करने के बाद गेट एमआईडी को क्लिक करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जैसे जैसे आपका अकाउंट नंबर एंट्री करोगे। तो अब यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, आप बढ़ते हैं आगे। स्टेप नंबर टू, ऑथेंटिकेट यूर ओटीपी। ओटीपी उसी केस में आएगा जब आपका यूनिफाइड पोर्टल ओके दिखा रहा हो। ओके का मतलब कि जैसे कि आधार केवाईसी अपडेट हो, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट हो, यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट कर देना है, तो आपको एक ट्रैक आईडी, जो आपका अकाउंट है वो ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर मिलेगी, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका जितना भी प्रीवियस एम्प्लॉयर का डेटा है वो प्रेजेंट एम्प्लॉय में कन्वर्ट कर देगा वो या मर्ज कर देगा। इन इस केस में आपको आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प लेना पड़ सकेगा, क्योंकि प्रीवियस एम्प्लॉय में आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितना पैसा बाकी है, वो ट्रांसफर होगा नहीं होगा, वो कंपनी हेल्प करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए आपको अगर मान लो अगर आप किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक साल जॉब करते हो और उसे छोड़ देते हो या लीव कर देते हो या दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हो, तो ऐसे केस में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपको कंपनी को तुरंत बता देना है। जैसे कि मान लो मेरे केस में ESIC का एक ही बार आपका ESIC कार्ड या ई पहचान कार्ड बनता है, वही नंबर आपका LTE चलता है, यानी कि लाइफ टाइम चलेगा, तो उसमें आपको HR को तुरंत बता देना है कि भाई साहब मेरे पास EPF नंबर और ESIC नंबर है, मेरे को कंटिन्यू कराना है इसी में। आपको आपके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को पहले ही बता देना है, जब भी आप नई ज्वाइनिंग करते हो अगर आप नहीं बताते हो तो आपका ESIC नंबर भी जनरेट हो जाएगा, EPF नंबर भी जनरेट हो जाएगा, तो इसमें आपको परेशानी होगी। तो फिर ऐसे केस में करना क्या है, पुराना EPF का पूरा पैसा निकाल लो और जो नया चल रहा है उसको कंटिन्यू रहने दो, ये भी बढ़िया सी बात है, इतने आपको लफड़े करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आपको ऐसा काम करना है कि अगर आप नहीं चाहते कि इतना पंगा हो, तो आपको जो पहली कंपनी है उसका पहले ही पैसा विड्रॉ कर लो, तो ये फाइल आपकी परमानेंटली क्लोज हो जाएगी। अगर आपका 5 साल तक कंटिन्यू अकाउंट हो चुका है, अगर आप 5 साल एक ही कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करते हो, अगर आपने जॉब नहीं छोड़ी है, तो आपका
वो जो अकाउंट है वो पेंशन के लिए, ग्रेजुटी के लिए एलिजिबल भी हो जाएगा, तो फिर आपको सोच समझ के काम लेना है। एक तो पूरा पैसा पेंशन ग्रेजुटी का पैसा ले लो, या तो उसी अकाउंट को कंटिन्यू करा लो तो और भी फायदा होगा आपको, जिसकी पेंशन बढ़ के मिलेगी, ग्रेजुटी का ज़्यादा फायदा होगा, ऐसे केस में भी आपको ये सर्विस काम आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो भी सवाल सुझाव शिकायत हो तो प्लीज़ लीव द मैसेज कमेंट सेक्शन बिलो। जो भी आपकी परेशानी या क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में तो इसमें कमेंट करके आप हमें पूछ सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ किसी बेस्ट और टिकटॉक अमेजिंग वीडियो के साथ। ठीक है, और भी KYC रिलेटेड वीडियो, बैंक रिलेटेड, आधार पैन कार्ड डिटेल्स रिलेटेड वीडियो, डेट ऑफ बर्थ नेम वाले वीडियो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, तो आप चेक इट आउट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।